What do you mean by food preservation? The series of processes employed to extend the shelf life and availability of the food stuff through the application of thermal energy, electromagnetic energy, water removal, and addition of additives like physical additives and chemical additives to raw food commodities and systems to prevent their deterioration and ensure their safety. इन द सेंस ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं फूड के ऊपर, है ना, जिससे कि हम उस फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकें. बहुत सारी प्रोसेस जैसे कि थर्मल एनर्जी हो गया, हम हीट देते हैं, खाना गर्म करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी देते हैं, वाटर रिमूव, डिहाइड्रेशन कर देते हैं. डिहाइड्रेशन, हम जैसे चिप्स सुखाते हैं तो उसको धूप में सुखा देते हैं, उसका पानी सूख जाता है ना, जिससे कि वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होती. एडिटिव्स डालते हैं, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में उसमें एडिटिव्स डले होते हैं, टेक्सचर चेंज कर देते हैं फूड एडिटिव्स. मैंने क्या बताया था कल, जिसने नहीं देखा वो देख ले लोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूं ही क्लियर हो जाएंगे. फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं, वो सिर्फ मतलब अपीयर अच्छे से दिखने के लिए, फ्लेवर के लिए, टेक्सचर के लिए हम फूड के अंदर डाले जाते हैं, जिससे कि फूड की बिक्री बढ़ जाए. और मतलब बहुत सारे ऐसे ये सब चीज़ें क्यों करी जाती हैं, सब प्रोसेसेस क्यों करी जाती हैं, जिससे कि फूड को ख़राब ना होने दिया जाए. ये मेन मकसद होता है फूड प्रिजर्वेशन का. और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो हम अब बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स की. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि शेल्फ लाइफ बढ़ाना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस रिड्यूस करना दूसरा ऑब्जेक्टिव. अब पोस्ट हार्वेस्ट, PHT मतलब पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस. पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस क्या होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्या होता है, फूड जहाँ पे बना है ना, मान लीजिए फार्म पे बना, फील्ड है वहाँ पर फूड बना, फूड वहाँ से बनने से लेकर कंज्यूमर के घर तक जाने के बीच में बहुत सारा जो फूड है वो ख़राब हो जाता है, बहुत सारा जो फूड है वो सड़ जाता है या फिर किसी न किसी तरीके से ख़राब हो जाता है, तो इसको हम पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस कहते हैं. तो हम फूड को प्रिजर्व करते हैं कि पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज ना हो, फूड हमारा ऑफ सीज़न में भी अवेलेबल हो. मान लीजिए कोई फूड है एक ही सीज़न में होता है पर वो हमें ऑफ सीज़न भी मिल जाए, इसलिए भी हम प्रिजर्व करते हैं. फूड को प्रिजर्व करने से क्या होता है कि जो फूड है वो उसी फॉर्म में रहता है जिस फॉर्म में वो नॉर्मली रहता है, मतलब शेल्फ लाइफ ही तो इंक्रीज़ करते हैं ना, कन्वीनियंट फॉर्म में मिल जाता है फूड, ख़राब नहीं होता. अब कई बार क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए जैसे आपने देखा होगा जो मिल्क इंडस्ट्रीज़ होती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बल्क में मिल्क जाता है तो एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री में जाने में तो बल्क बहुत ज़्यादा भारी वज़न हो जाता है ना, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जाने में, है ना. तो क्या होता है कि बल्क को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, जो मिल्क होता है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो थोड़े अमाउंट में हो जाएगा वो, फिर वो ईजीली मतलब हम भेज देते हैं या फिर और भी दूसरे प्रोसेसेस करते हैं जिससे कि बल्क रिड्यूस हो जाए. नेक्स्ट है प्रिजर्व द मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स. प्रिजर्वेशन का एक मेन मकसद ये भी रहता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़राब ना हो. अगर न्यूट्रिएंट्स ख़राब हो जाएंगे तो उस प्रिजर्वेशन टेक्निक का क्या करेंगे हम. नेक्स्ट है टू गेट द रिम्यूनरेटिव प्राइजेस ड्यूरिंग द मार्केट ग्लट. मेरे पास 100 मिलियन का गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, मिलियन टन का, है ना, इतना लार्ज स्केल पे मेरे एरिया में प्रोडक्शन हुआ. अब जब मैं उसे मार्केट में बेचूं तो मुझे उसके अच्छे प्राइजेस मिले, ये मेरा एम रहेगा रिम्यूनरेटिव. या तो हम उसे गेहूं के फॉर्म में बेच दें या फिर हम उसे आशीर्वाद कंपनी को दे दें कि वो आशीर्वाद आटा बनाए और 5-5 किलो के पैकेट के 125 रुपए ले ले, है ना. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस मिले. नेक्स्ट रहता है हम वैल्यू ऐड करें. जैसे आशीर्वाद आटे का एग्जांपल लिया मैंने तो उसमें बहुत सारे फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मतलब 40 न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं. फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स उस फूड में डाल दें. और एक होता है एडल्टरेशन, उसका मतलब होता है कि हम मिलावट कर दें, है ना, जिससे कि वो अच्छा दिखे और ज़्यादा बिके. नेक्स्ट होता है टू स्टेबलाइज द मार्केट प्राइजेस. अब क्या होता है, मार्केट प्राइजेस स्टेबलाइज करना, हम प्रिजर्व करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव मार्केट प्राइस को स्टेबलाइज करना भी होता है. मान लीजिए बहुत सारा प्याज है मार्केट में, तो ज़्यादा प्याज होगा तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, तो व्यापारी क्या करते हैं उस प्याज को स्टोर कर देते हैं कोल्ड स्टोरेज में. इससे क्या होता है कि जब मार्केट में प्याज कम होगा तो उसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो इस तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज करते हैं.
नेक्स्ट होता है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। मान लीजिए मैं ना, मेरा कोई फूड है, मेरे एप्पल है, कश्मीर से यूएसए जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, जब हम कश्मीर इंडिया से अमेरिका भेजेंगे, तो जो हमें वहाँ से हम सामान बेचेंगे, तो वो हमें पैसा देंगे। तो वो हमें पैसा देंगे किस फॉर्म में देंगे, डॉलर की फॉर्म में। तो इससे क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए करेंसी हमारी डॉलर में आई, तो जब मुझे अमेरिका से कोई सामान खरीदना होगा तो मैं उसे रुपये नहीं दूंगी, है ना, मैं उसे डायरेक्ट डॉलर ही दूंगी, है ना। तो रुपये दूंगी तो मुझे महंगा पड़ेगा, $1.70 का होता है, तो डॉलर के बजाय डॉलर दे देंगे, है ना। तो इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है। फूड इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट होता है। आप देखिए, जो फूड है वो फार्म में प्रोसेस होता है ना। फार्म से कहाँ पर जाता है, बहुत सारे मतलब कंपनीज में जाता है। कंपनीज में जाने के बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है लार्ज स्केल पे, है ना। फिर आटा बनता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं मार्केट में, बड़े बड़े मॉल्स में पैकेज होकर आता है ना। तो इस सब प्रोसेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो जो फूड इंडस्ट्री है वो लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्या होते हैं प्रिजर्वेशन के। क्या होता है, तीन बेसिस पर प्रिंसिपल डिसाइड करे गए प्रिजर्वेशन के। सबसे पहला है डिले और प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। प्रिजर्व कैसे करें हम फूड को, है ना। तो माइक्रोबियल अगर डिकम्पोजिशन हम कम कर दें, रोक दें, तो हमारा फूड ख़राब होने से बच जाएगा। माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और उससे अपने न्यूट्रिएंट्स लेकर उसको क्या करते हैं, सड़ा देते हैं, है ना, स्पॉइल कर देते हैं फूड को, तो इसको रोका जा सके। दूसरा होता है हमारा डिले और प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। एक तो माइक्रोब खराब ना कर दे फूड को, है ना, और दूसरा क्या होता है कि फूड खुद ही ऐसे एंजाइम्स प्लांट से सिक्रीट होते हैं कि फूड खुद को ही ना डिस्ट्रॉय कर ले। तीसरा होता है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज कॉज बाय इंसेक्ट्स। कई बार इंसेक्ट्स, रोडेंट्स जैसे कि रैट्स, माउस, बर्ड्स, है ना, ये सब क्या करते हैं, इनकी वजह से भी जो फूड होता है वो डैमेज हो जाता है। तो इस तरीके से भी फूड डैमेज ना हो। तो पहला हम बात करेंगे डिले और प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, है ना, कि कैसे हम माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन को रोक सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि माइक्रोब डिकम्पोज करता कैसे है फूड को। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गई, है ना, तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया के ग्रोथ फेज कर्व की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है, किस पे, न्यूट्रिएंट्स पे। मान लीजिए कोई फूड है ना, ये देखिए, ये थारी है, इसमें फूड रखा हुआ है ना, इस यहाँ पे ग्राफ। तो जैसे ही यहाँ पे फूड रखा है तो क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आ गया, अब वो क्या करेगा, यहाँ पर एनवायरनमेंट को देखेगा, क्या एनवायरनमेंट ऐसा है कि मैं यहाँ पे ग्रो कर पाऊँगा। तो उस टाइम पर उसको जांचने में टाइम लगेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शुरू करने में टाइम लगेगा, उस टाइम को हम बोलते हैं लैग फेज। तो ये मतलब बहुत थोड़े टाइम का होता है। फिर टाइम आता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, अब उसको मिल गया कि न्यूट्रिएंट्स है, तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगेगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा, है ना, बहुत सारा सारा मल्टीप्लाई करने लगेगा। इसको हम कहते हैं लॉग फेज। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इस थारी का जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो बैक्टीरिया खा लेगा, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ जाएगी, तो जितने ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे उतनी डेथ, उनकी डेथ होती जाएगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई। तो इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। फिर एक फेज़ ऐसा आता है कि जब न्यूट्रिएंट्स एकदम ख़त्म हो गए, बैक्टीरिया को कुछ नहीं मिला, तो जो ये वाले बैक्टीरिया थे जो नए पैदा हुए थे वो भी क्या होने लगेंगे, वो भी मरने लगेंगे। तो इसको हम बोलते हैं डिक्लाइन फेज। ठीक है, तो लैग फेज ये वाला स्टार्टिंग वाला, फिर लॉग जो एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से बैक्टीरिया खाता जाता है और ग्रो करता जाता है, उसके बाद स्टेशनरी फेज आ जाता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन फेज आ जाता है। ठीक है, ये ग्राफ आपको बता रहा है स्टार्टिंग में, इसमें बहुत सारे में डिवाइड करा गया, मैंने आपको मेन बताया। ठीक है, तो लैग फेज क्या होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती, है ना, यहाँ पे वो सूटेबल। तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, लैग फेज में हम क्या कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म को हम कैसे प्रिजर्व करें। जो सबसे खतरनाक फेज होता है वो होता है लॉगरिथम फेज, है ना। लॉग फेज में क्या होता है कि बहुत तेजी से ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, तो उसको हमें रोकना होता है।
तो यहाँ पर लॉग लॉग फेज में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फेज भी उसको हम बोलते हैं। यहाँ पे बहुत तेज़ी से ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करने लगता है ना, बहुत तेज़ी से फूड स्पॉइल होने लगता है। तो अगर हम क्या करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तेज़ी से ग्रो कब करेगा, जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, टेम्परेचर अच्छा होगा, पीएच रेंज अच्छी होगी। तो हम इस फेज़ में क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं उसको, प्रॉपर एनवायरनमेंट ही ना दे, है ना, ऐसी कंडीशन ही ना दे तो जिससे कि वो तेज़ी से ग्रो ना करे और फूड स्पॉइल ना करे। इसीलिए जो फूड होता है, जैसे रात का बचा खाना अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो ख़राब नहीं होता, क्यों, क्योंकि फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बैक्टीरिया के लिए अनुकूल नहीं होता कि वो उस पर सर्वाइव ग्रो कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज़। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन धीमा हो जाता है ना, ये प्रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा फेज़ माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेशनरी फेज़ की। जैसे मैंने बताया जो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, जितना ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं उतने ही मरते जाते हैं। इसमें हम ऑल्टर कर देते हैं एनवायरमेंट कंडीशंस को जिससे कि स्पॉयलेज रुक जाए। एक्सेलरेटेड डेथ फेज़ क्या होता है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मरने लगते हैं, और डेथ फेज मतलब सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, ठीक है। तो लैग फेज और पॉजिटिव एक्सेलरेटेड फेज जो होता है उसके टाइम को हमें लेंथ करना मतलब इंक्रीज करना होता है कि वो ना हो। हम क्या करते हैं, कंटामिनेशन रिमूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं कि कंटामिनेट ही ना हो फूड, है ना। मान लीजिए अगर आपके घर में दूध आए तो आप क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, क्योंकि पता है कि अगर दूध गर्म नहीं करेंगे तो सड़ जाएगा, है ना। जिसने माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ी उसको भी पता है ये बात, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय यूजिंग क्लीन इक्विपमेंट। दूध आया तो उसे साफ भगोनी में लेते हैं, है ना, गंदी में थोड़ी ना लेंगे। नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब हम उस दूध को गर्म कर देते हैं, फिर कई बार क्या होता है गर्मी ज़्यादा होती है तो फ्रिज में रख देते हैं, है ना, जिससे कि प्रॉपर टेम्परेचर ना मिले उसे। तो ये तीन पॉइंट होपफुली समझ में आ गए हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, अब इसके बेसिस पर हम कौन कौन से प्रिजर्वेशन मेथड्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला होता है कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एसेप्टिक कंडीशन। जब हम ऑर्गेनिज्म को किल कर दें, ऑर्गेनिज्म अवेलेबल ही ना हो जिससे कि हमारा फूड ख़राब ही ना हो, वो खा ही ना पाए, डिकम्पोज ही ना कर पाए, है ना। तो पहला होता है नेचुरल प्रोटेक्टिंग कवरिंग अराउंड द फूड। जितने भी फ्रूट्स आते हैं, है ना, मार्केट में, तो फ्रूट में अगर पैकेजिंग नहीं भी होती तब भी वो ख़राब नहीं होते लंबे समय तक। उसका कारण क्या होता है, एक तो उसके ऊपर पल्प होता है ना, जिनके ऊपर, अच्छा जैसे संतरे ले लीजिए, है ना, नींबू ले लीजिए, तो मतलब वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। ये नहीं कहती कि ख़राब ही नहीं होते, लेकिन ईजिली ख़राब नहीं होते, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। जैसे हमारी बॉडी पे स्किन होती है वैसे उनके ऊपर भी कवरिंग होती है जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर ही नहीं कर पाता, है ना, जैसे उनकी स्किन हो गई, मेम्ब्रेन हो गई। अब दूसरी होती है मैन मेड। इसमें एक तो हो गया कि नेचुरल तरीके से प्रोटेक्ट हो रहे हैं वो, है ना, भगवान ने खुद ही उन्हें प्रोटेक्ट करके भेजा है। नेक्स्ट होता है मैन मेड। हम क्या करते हैं कि फूड की पैकेजिंग कर देते हैं, है ना, रैपिंग कर देते हैं, और जब हम फूड की पैकेजिंग करते हैं तो ऑलरेडी हम क्या करते हैं, उसको स्टरलाइज़ करते हैं जिससे कि फूड ख़राब ना हो। मिल्क जो पैकेट में आता है वो कई दिन तक चल जाता है, लेकिन तुरंत कड़ा हुआ मिल्क ज़्यादा देर तक अगर गर्मी में वैसी कंडीशंस में रहता है तो ख़राब हो जाएगा। रीज़न क्या है, एसेप्टिक पैकेजिंग, मतलब हम पहले क्या करेंगे, मिल्क को पाश्चराइज करेंगे, सारे ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे, तब पैकेजिंग करेंगे, है ना। तो पहला ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर दो, एसेप्टिक कंडीशन बना दो। दूसरा होता है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हमने क्या करा, डायरेक्ट किल कर दिया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। कैसे, अब क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि हम या तो वॉश कर दें, जैसे फ्रूट्स आते हैं, है ना, तो जैसे कोई भी फल सब्जी हम लेकर आते हैं मार्केट से, तो हम क्या करते हैं उसको धोते हैं, जिससे कि उसके ऊपर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, सॉइल होगा, है ना, आलू आलू लाते हैं तो धोते हैं ना, मिट्टी विट्टी लगी होती है उसमें, तो क्या करते हैं हम उसको धो देते हैं जिससे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो किल हो जाएंगे। जर्मिसाइड्स यूज़ करते हैं हम, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जब खेती में हम जर्मिसाइड्स यूज़ करते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा वो ना हो, जर्म्स ना हो, और मतलब ट्रिमिंग कर देते हैं, जैसे कि कहीं पर आलू ख़राब है, काला काला हो जाता है, तो हम पूरा आलू नहीं फेंकते, वो काला काला वाला पोर्शन हटाते हैं बस, है ना। घरेलू एग्जांपल से समझा दूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ट्रिमिंग में हम क्या करते हैं, जो स्पॉइल्ड पोर्शन होता है सिर्फ उसको हटाते हैं। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ स्पॉइलेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिमूव्ड, है ना। तो मतलब अगर ज़्यादा स्पॉइल कर देते तो जैसे टमाटर सड़ जाता है तो स्मेल करने लगता है, फेंक ही देते हैं उसको हम। ट्रिमिंग हम उस केस में करते हैं जहाँ पे हो सकती है। पीलिंग मतलब है ना, छील देते हैं ऊपर से, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हट जाता है। जो जैसे बहुत सारे, जैसे लौकी हो गई, लौकी अगर हम बनाते तो वो उसकी पल्प के साथ नहीं बनाते, उसको हम हटा देते हैं, है ना, पील ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन हम लिक्विड के केस में करते हैं। अगर दूध आता है तो उसको हम छान कर लेते हैं। कई जगह पे जो पानी पिया जाता है वो भी छान कर पिया जाता है, जैसे कि जो अगर थोड़ा बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स वगैरह हो तो वो ऊपर ही रह जाए। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन। ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत ही सेडिमेंटेशन नीचे जम जाता है ना, सेडिमेंट हो जाता है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, जब हम छानते हैं तो नीचे नीचे जो मतलब है ना सेडिमेंट जो नीचे निकल जाएगा वो क्या होगा हमारा, सेडिमेंटेशन मतलब छान लेते हैं ना हम। होपफुली समझ में आ रहा होगा, मैं समझा नहीं पा रही, एक मिनट अच्छे समझाती हूँ। देखिए कंटेनर है ये, है ना, इसके ऊपर जाली जाली लगी हुई है, जाली रख दी हमने, है ना। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ भी सीवेज, हाँ सीवेज ट्रीटमेंट डालेंगे, तो ऊपर ऊपर क्या रह जाएगा हमारा, जो कचरा होगा वो रह जाएगा और नीचे का एफ्लुएंट नीचे चला जाएगा, इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले हमने क्या बात करी कि हम एसेप्टिक कंडीशन दे दें, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग कर दें। दूसरा हम रिमूव करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कैसे, वॉशिंग कर दें या पील ऑफ कर दें, ट्रिमिंग कर दें, फिल्टर कर दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी को ही हिंडर कर दें, है ना, इन्वायरमेंटल कंडीशंस उसके लिए ख़राब कर दें जिससे कि वो ग्रो ना कर पाए, है ना। तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले होता है हम लो टेम्परेचर पर रखें। जब मैंने स्टोरेज बताया था, फूड को हम स्टोर करते हैं तो लंबे समय तक चलता है। अगर किसी भी फूड का टेम्परेचर आप उसे 10 डिग्री सेल्सियस बिलो टेम्परेचर पर रख देंगे ना, तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो डबल हो जाएगी। तो पहला क्या है, यूज़ ऑफ लो टेम्परेचर। हम क्या करते हैं, तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, हम जो फूड होता है उसको क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी होती है वो स्लो हो जाती है या फिर रुक जाती है। तो हमने ये तो देखा कि स्लो हो जाती है, हमें भी पता है ख़राब नहीं होता खाना, लेकिन क्यों नहीं होता, उसका रीज़न ये होता है जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं और फूड एंजाइम का एक्शन होता है वो रुक जाता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। अगर हमारी बॉडी में भी अगर टेम्परेचर इधर उधर होगा तो हमारी बॉडी की भी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो ऑल्टर होने लगेंगी, रिटार्ड होने लगेंगी। नेक्स्ट इस ऑल्टरेशन और इस रिटार्डेशन की वजह से केमिकल रिएक्शन के जो ऑर्गेनिज्म है होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत धीमी हो जाती है। एक तो धीमी हो जाती है, दूसरी रुक जाती है। धीमी किस केस में हो जाती है, अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखेंगे तो उसकी जो ग्रोथ रेट होती है वो स्लो हो जाती है। लेकिन अगर हम फ्रीज़र में रखते हैं तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बिल्कुल ही ग्रो नहीं कर पाते। अगर टेम्परेचर हम लेस देन 6 डिग्री सेल्सियस पे फूड को रख रहे हैं और फूड के अंदर फूड पॉइजनिंग ऑर्गेनिज्म है तो वो इजीली ग्रो नहीं कर पाएगा, वो उसकी ग्रोथ को रुक जाएगी। एक्सेप्ट द क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम क्या कॉज करता है, बोटुलिज्म कॉज करता है, एक फूड पॉइजनिंग कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है, ठीक है। एक तो हो गया, अब हम कैसे हिंडर करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, तो पहला हमने क्या करा, यूज़ करा हमने लो टेम्परेचर। दूसरा हम क्या कर देते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को हटा देते हैं, डिहाइड्रेशन कर देते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एक चीज़ कि जो फूड होता है वो कैसे स्पॉइल हो, उसे तीन बेसिस पे डिवाइड करा है ना। फूड कैसे कैसे होते हैं, एक होते हैं पेरिशेबल फूड, एक होते हैं सेमी पेरिशेबल फूड और एक होते हैं नॉन पेरिशेबल फूड। पेरिशेबल फूड वो होते हैं जिसमें मॉइस्चर कंटेंट 80% होता है और वो ईजीली स्पॉइल मतलब ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, है ना, ईजीली सड़ जाते हैं। दूसरे होते हैं सेमी पेरिशेबल फूड जिसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 30 से 80। पेरिशेबल फूड जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते, इनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होता है। सेमी पेरिशेबल फूड जो होता है उनका 30 से लेकर 80% तक होता है मॉइस्चर कंटेंट। इनको अगर अच्छे से हैंडल करा जाए तो ये भी ख़राब नहीं होते। तीसरे होते हैं नॉन पेरिशेबल, इनका मॉइस्चर कंटेंट 20% होता है,
है ना, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स, हाँ, किशमिश, काजू, बादाम, ये लंबे समय तक हम इसे घर में रखते हैं, ख़राब नहीं होते, है ना, क्योंकि इनका मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है। तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन कर देते हैं। तो ये बहुत पुराना मेथड है प्रिजर्वेशन का, रिमूव कर देते हैं मॉइस्चर या फिर रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर वाटर एक्टिविटी, जैसे कि सन ड्राइंग कर दे, डिहाइड्रेशन, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, तीन तरीके से हम डिहाइड्रेशन कर देते हैं। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन जो होती है वो कंट्रोल कंडीशन में होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसे मॉइस्चर नहीं मिलता, तो वो क्या होता है, वो उस पर ज़्यादा टाइम तक ग्रो नहीं कर पाता। और नेक्स्ट होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हम क्या करते हैं, मतलब वही वाटर को रिमूव कर देते हैं, फूड को ड्राई करते हैं हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हीट से, है ना, कंट्रोल कंडीशंस में टेम्परेचर देंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी देंगे, एयर फ्लो देंगे, और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उससे वाटर रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि जो माइक्रोब होता है वो डिकम्पोज जल्दी नहीं कर पाता फूड को। ऐसा नहीं है कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ख़राब नहीं होते, लेकिन बहुत समय तक ख़राब नहीं होते। इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, लंबे समय तक के लिए रहते हैं, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग घट जाती है, हैंडलिंग, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा देर तक नहीं रखते। अब देखिए, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा बल्की होगा, लेकिन अगर ड्राई हो जाएगा तो मतलब मिल्क है तो मिल्क अगर 1 किलो होगा तो वो थोड़ा भारी होगा, लेकिन अगर उस 1 किलो मिल्क का हम पाउडर बना ले तो वो बहुत हल्का हो जाएगा, है ना, तो उससे कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखिए, ये देखिए, जो नॉर्मल वाटर एक्टिविटी होती है बैक्टीरिया की, ईस्ट की, मोल्ड्स की, तो उस पर क्या होता है, वो मतलब है ना कम हो जाते हैं। अगर हम उसको डिहाइड्रेट कर लेते हैं तो उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, वो इजीली ग्रो नहीं कर पाते। नेक्स्ट होता है मेंटेनेंस ऑफ एनएरोबिक कंडीशन। हम एनएरोबिक, एनएरोबिक क्या होता है देखिए, एरोबिक कंडीशन होती है एक जिसमें ऑक्सीजन जो होता है वो अवेलेबल होता है। एनएरोबिक कंडीशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, है ना। एरोबिक में ऑक्सीजन होता है, एनएरोबिक में नहीं होता ऑक्सीजन, मतलब है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता। एरोबिक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होते हैं एनवायरनमेंट में, है ना, बहुत सारे, क्योंकि हर जगह पे ऑक्सीजन है तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम क्या करते हैं कि प्रॉपर मतलब है ना पैकेजिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, प्रॉपर सील कर देते हैं जिस, और है ना पूरी, और क्या करते हैं हम, जैसे कि जो भी पैकेट्स आते हैं आपने देखा होगा उसमें जो एयर होते हैं उसको है ना रिप्लेस कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर नाइट्रोजन से। जो पेप्सी की या कोको कोला की बोतल आती है उसमें जो एयर होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। इससे क्या होता है कि एनएरोबिक कंडीशन हो जाती है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाते। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाते हैं लेकिन एरोबिक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होते हैं एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट आता है फर्मेंटेशन। बहुत सारे फूड्स को हम फर्मेंटेशन से बनाते हैं, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ पर फर्मेंटेशन में, और जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जो हमारा मतलब मनमर्जी का प्रोडक्ट, जैसे अल्कोहल हो गया, इथेनॉल हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, तो वो प्रोडक्ट्स हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनवाते हैं। सॉरी, फर्मेंटेशन जो होता है वो एनएरोबिक कंडीशन में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम कैसे ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करके। केमिकल्स यूज़ करते हैं जिससे कि क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, रिटार्ड हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि केमिकल प्रिजर्वेटिव सेफ होते हैं या नहीं होते, इसमें नहीं है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो सेफ़ नहीं होते। सही बात है, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करा जाए तो वो सेफ़ नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट की गाइडलाइन से एक एक्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसकी गाइडलाइंस के हिसाब से ही जो एडिटिव्स होते हैं वो डाले जाते हैं, और एडिटिव्स भी वो डाले जाते हैं जिन्हें GRAS कैटेगरी में रखा गया है, जिसे हम जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट,
जी आर ए एस कैटेगरी में रखा गया है। तो उन एडिटिव्स को हम यूज़ करते हैं, और जो प्रिजर्वेटिव्स या एडिटिव्स होते हैं उनको दो क्लास में डिवाइड करा गया है ना, क्लास वन क्लास टू। क्लास वन वाले जो होते हैं वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, अगर इनको डालते हैं किसी भी प्रोडक्ट में तो बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर क्लास टू प्रिजर्वेटिव्स को डालते हैं तो ये मेंशन करना फूड पैकेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने इस टाइप में ये प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं, ठीक है। अब जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मतलब है ना, दो मेजर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है जिसे हम यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन से छेड़छाड़ कर देते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज से छेड़छाड़ कर देते हैं, है ना, जिससे कि उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ये पूरी तरीके से उनकी ग्रोथ को नहीं रोकते, थोड़ी बहुत रोकते हैं, और है ना, जैसे मान लीजिए कि कम ऑर्गेनिज्म है तब अगर हम डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, जिससे कि वो जो प्रिजर्वेटिव वो ढंग से अपना काम कर पाएगा। अब जो मेज़र दो टाइप के जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उन्हें यहाँ पर यूज़ करा जाता है, एक होता है KMS, है ना, जिसे हम पोटेशियम मेटासल्फेट बोलते हैं। ये क्या करता है, ये गैसियस एक्शन शो करता है ना, और इसमें लीचिंग इफेक्ट होता है, ये ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। दूसरा होता है हम यूज़ करते हैं वो होता है सोडियम बेंजोइक एसिड, है ना, सोडियम बेंजोइक एसिड भी यूज़ करते हैं हम इस, एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ, है ना, सोडियम बेंजोइक एसिड, ठीक है, एसिड। तो सोडियम बेंजोइक एसिड और KMS, ये दो प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। सोडियम बेंजोइक एसिड क्या करता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लिक एसिड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उनको इंटरफेयर कर देता है, जिससे कि उनकी जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। ये हो गया केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हम ऐड करते हैं। अब FSSAI के अकॉर्डिंग ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं और इनकी मैक्सिमम लिमिट इतनी है ना, ये मैंने डाल दिया है, देख लेना। अगर ये जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 40 से 3000 PPM है ना, पास पर मिलियन। बेंजोइक की 50 से 750 PPM है, NaNO2 की 200 PPM है, NaNO3 की 500 PPM है, सॉर्बिक एसिड की 1000 से 1500 PPM है। तो ये गाइडलाइंस है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, इससे ज़्यादा रखेंगे तो हो सकता है वो हार्म करे और वो प्रोडक्ट भी बैन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक हमने बात कर रहे हैं एडेड प्रिजर्वेटिव, एक होता है डेवलप्ड प्रिजर्वेटिव। क्या होता है, कई बार मतलब है ना, जो सबस्टेंट्स होते हैं जब वो है ना फर्मेंटेशन के टाइम पर प्रिजर्वेशन एक्शन शो कर देते हैं, जैसे पिकल्स होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उस एसिड पीएच को सर्वाइव नहीं कर पाते और ग्रो नहीं हो पाते। विनेगर में एसिटिक एसिड ज़्यादा होता है तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर पाते। एल्कोहलिक बेवरेजेस में इथाइल एल्कोहल होता है तो उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते। तो जब पीएच है ना, बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं उनका एसिडिक पीएच होता है, तो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें इजीली ग्रो नहीं कर पाते, है ना, और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो ये अपने आप डेवलप होने हो गए प्रिजर्वेटिव्स, डेवलप बाहर से नहीं ऐड करना पड़ा। नेक्स्ट होता है किल कर देना माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, है ना, कैसे हम किल कर देंगे, हीट दे दें डायरेक्ट, है ना, दूध लाए डायरेक्ट गर्म कर दिया हमने तो क्या हुआ, मर गया ऑर्गेनिज्म। तो कैसे हम करते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। जब हम हीट देंगे प्रोडक्ट को तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते, सारे नहीं, कुछ कर भी लेते हैं लेकिन सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लीथल टेम्परेचर, लीथल टेम्परेचर जैसे 46 से 49 डिग्री सेल्सियस, हम क्या करते हैं, पाश्चराइजेशन आप सबने सुना होगा क्या होता है, हम मिल्क को पाश्चराइज करते हैं, स्टरलाइज नहीं करते। तो क्या होता है, पाश्चराइजेशन हम करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस के लिए, हम उसे 15 सेकेंड्स में तक रखते हैं, है ना, और फिर तुरंत हम कूल कर देते हैं, इसे हम शॉर्ट टाइम
मेथड कहते हैं। एक होता है 68 डिग्री सेल्सियस तक हम 30 मिनट्स तक रखेंगे, फिर उसको कूल कर देंगे। तो इससे बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। ब्लांचिंग, कैनिंग, स्टरलाइजेशन, ये भी मेथड्स होते हैं जिससे हम ऑर्गेनिज्म को हीट देते हैं और वो किल हो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड को हीट देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स किल हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ही कम टाइम लगेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि ये सारे ऑर्गेनिज्म जैसे सैल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है, टाइफॉइड कॉज करता है। दो होते हैं, सैल्मोनेला टाइफी होता है, सैल्मोनेला पैराटाइफी होता है ना। टाइफॉइड कॉज करता है, बहुत इंडिया में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो टाइम 50 डिग्री सेल्सियस तब पे अगर हम फूड को गर्म करेंगे 4.3 मिनट्स के लिए, तो ये वाला जो ऑर्गेनिज्म अगर उसमें होगा तो किल हो जाएगा। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है ना, नंबर ऑफ डिसीजेस कॉज करता है, एक तो करता ही नहीं है। और बात ये भी होती है कि हमारा माइक्रोफ्लोरा भी होता है लेकिन पैथोजेनिक भी हो, मतलब माइक्रोफ्लोरा पैथोजेनिक नहीं होता। अगर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाए अनफेवरेबल कंडीशंस में, इम्यूनिटी लो हो, तो क्या करता है, डिसीज़ कॉज कर देता है। टेम्परेचर क्या होता है, 60 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम फूड को गर्म करें कितने मिनट के लिए, 18 मिनट के लिए या 19 मिनट मान लीजिए, तो ये ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। ई कोलाई है ना, एस्केरिशिया कोलाई हम बोलते हैं, एंटेरोबैक्टर फैमिली का होता है, डायरिया डायसेंट्री में रोल होता है इसका, है ना। तो अगर इसको हम फूड को 57.3 डिग्री पर 20 से 30 मिनट के लिए रखें तो किल हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, अगर टेम्परेचर 70 से 75 डिग्री फूड को दें और 15 मिनट्स के लिए रखें तो किल हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस 71 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स तक अगर फूड को रखें तो ये किल हो जाएगा। अब बात ये होती है कि हम टेम्परेचर का ध्यान कैसे रखें, तो अगर हम घर पे बना रहे तो ये थोड़ी ना कि हमें सैल्मोनेला टाइफी मारना है, एस्केरिशिया कोलाई मारना है, लैक्टोबैसिलस मारना है, नहीं, हमें सब मारना है। तो हम क्या करते हैं, लंबे लंबे टाइम तक के लिए फूड को पकाते हैं, है ना, कुकर में पकाते हैं, स्टरलाइजेशन हो जाता है तो कोई ऑर्गेनिज्म उसमें बचता ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा किल करने के लिए। मान लीजिए 50,000 नंबर ऑफ स्पोर्स कंसंट्रेशन है स्पोर्स की पर मिलीलीटर, तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा उन्हें किल करने में, 14 मिनट्स लगेंगे, है ना। और 5,000 है तो 10 मिनट्स लगेंगे, 500 है तो 9 मिनट्स लगेंगे, 50 है तो 8 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, रेडिएशन मेथड है ना, रेडिएशन का हम यूज़ कर सकते हैं जैसे गामा रेज। तो इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, है ना, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे किल कर सकते हैं, हमने पहला मेथड देखा, हम हीट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हम प्रिजर्व कर सकते हैं रेडिएशन, मतलब रेडिएशन दे दें, गामा रेज। ये जो रेडिएशंस होती हैं हम जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स हैं उनके प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जो फूड है उस पर रेडिएशंस दे सकते हैं। जो जैसे कि कोई कैंड फूड है, हम क्या करेंगे, उसको चैम्बर में रखेंगे, चैम्बर के अंदर गामा रेज जाएंगी और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सब किल हो जाएंगे। कोई भी फूड प्रोडक्ट है ना, उसकी पैकेजिंग करेंगे, उसको क्या करेंगे, फिर हम चैम्बर में डालेंगे, चैम्बर में भेजेंगे और रेडिएशंस उस पर ऑन कर देंगे जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो सब किल हो जाएंगे, ठीक है। तो रेडिएशंस हम यूज़ करते हैं जिससे कि जितने भी यहाँ पर क्या होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म, थोड़े मोड़े नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पूरी तरीके से किल हो जाते हैं, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन परमीएबिलिटी होती है, मतलब है ना, परमीएबल हो जाती है, फट जाती है सेल मेम्ब्रेन। जितनी ज़्यादा परमीएबल होगी बाहर के ऑर्गेनिज्म उतने ज़्यादा आएंगे, है ना, और ज़्यादा प्रेशर दे दिया तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इससे क्या होता है, मतलब हीट डैमेज नहीं होता फूड को, है ना, और केमिकल एडिटिव्स की ज़रूरत नहीं होती अगर हम ये वाले मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, हाई प्रेशर दे रहे हैं तो, है ना। कौन कौन सा डोज हम कितनी रेडिएशंस देते हैं, तो इंसेक्ट्स के लिए हम 0.22 से 0.13 किलोग्रेज देते हैं, इन सब के लिए ये अलग अलग रेंजेस हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे डिले और प्रिवेंशन। हमने जो पहला मेथड देखा वो कौन सा था हमारा, कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को डिले कर दें या प्रिवेंट कर दें। अब ये जो नेक्स्ट मेथड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, आप लोग बहुत बोर हो चुके होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, और अगर ना पसंद आया हो तो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।